हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो दर्शन करिए हमारे कन्हैया और राधा रानी के, कितना अद्भुत रूप है इनका। और आज हम आपको शेयर कराएंगे अपने गाँव की। तो आज का ब्लॉग है विलेज ब्लॉग, तो साथ बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। क्योंकि आज हम जाएंगे काली मैया के दर्शन करने, जो कि हमारे मायके में है। तो ससुराल से लेकर मायके तक का ब्लॉग है आज का। और मेरा गांव, मेरा ससुराल दोनों यमुना मैया के तट पर स्थित हैं, और काली मैया का मंदिर भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। ये हमारी यमुना मैया, यमुना मैया को सभी लोग प्रणाम करिए। और अब चलते हैं गाँव की सैर करने। तो मैंने जैसा कहा कि मेरा गांव वृंदावन से कम नहीं है, तो आज आप देख के खुद पता लगा लेंगे कि मेरा गांव वृंदावन से कम है कि नहीं है। तो आज हम जाएंगे, किसी फोर व्हीलर में नहीं जाएंगे, ना ही टू व्हीलर में जाएंगे। आज हम जाएंगे सभी लोग गांव के ट्रैक्टर में। तो जो ट्रैक्टर की सैर है बहुत ही रोमांचक होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध और सात्विक विचारों वाला होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार होना बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला, मेरे पास ये है। हम तो बिंदास रहते हैं, और जैसे जो भी स्थिति आ जाए उस स्थिति में रहते हैं। लेकिन मुझे ट्रैक्टर में बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिसको जिसको ट्रैक्टर में बैठना पसंद हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ट्रैक्टर और बैलगाड़ी, तो चलिए बैलगाड़ी तो नहीं है, लेकिन हम ट्रैक्टर में जा रहे हैं अपने गांव की ओर। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ चल रहा है ट्रैक्टर। तो चलिए चलते हैं अपने गांव की ओर सैर करने, और आपको अपना गांव हम दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम सीधे मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये जो रास्ता है, ये हमारे काले मैया आ गई, ये मेरा मायके वाला रास्ता है। तो जो आप मंदिर देख रहे हैं सामने, काली मैया का मंदिर है, और बहुत ही अद्भुत जगह है यहाँ पे। तो आपको पूरे हमारे गांव में शुरू से लेकर अंत तक आपको सिर्फ हरियाली हरियाली मिलेगी। देखिए हम ट्रैक्टर में जा रहे हैं, और मुझे आज का ब्लॉग शूट करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर की बात ही अलग है। जो लोग ट्रैक्टर में बैठते हैं वो जानते होंगे कितना मज़ा आता है। तो ये है काली मैया के मंदिर का मुख्य द्वार, और हम अब ट्रैक्टर से उतरेंगे, फिर मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, और फिर मंदिर का ग्राउंड आएगा। उसके बाद फिर हम मंदिर में मैया के दर्शन करने जाएंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे मेला भी लगता है, हर मंडे को मेला लगता है, और बाकी दिनों में तो यहाँ छोटी मोटी दुकानें लगी रहती हैं, लेकिन मंडे को बहुत बड़ा मेला लगता है हमेशा। तो चलिए चलते हैं मैया के दर्शन करने, फिर आपको दिखाते हैं कितना अद्भुत दृश्य है। उसके बाद फिर हम चलते हैं यमुना मैया के दर्शन करने। साथ बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो ये आप मैया का मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अद्भुत सीन है यहाँ का। और ये जो शॉप्स हैं, यहाँ से हम प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। जो पहले था वह गेट था, और मैंने यहाँ पे घंटा बजाया है। अब हम मैया को प्रणाम करते हुए जाएंगे मंदिर के अंदर, फिर मैया के दर्शन करेंगे, और आपको भी मैया के दर्शन कराते हैं। काली मैया यहाँ की बहुत ही अद्भुत हैं, और यहाँ आके सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो जय माता दी। ये हमारी काली मैया, और ये है बींदा, यानी कि उत्तर प्रदेश में बांदा ज़िले में। जो हमारे यहाँ से हों
तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैया के दर्शन करने के बाद हम मैया की परिक्रमा करेंगे, उसके बाद आपको फिर आगे के दर्शन जरूर कराएंगे। तो साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिएगा। जय माता दी। तो हम परिक्रमा करके मंदिर के दूसरे द्वार से निकल आए हैं और उसके बाद फिर हम जिस द्वार से प्रवेश कर रहे थे उस द्वार तक हम जा रहे हैं, क्योंकि जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो आगे कुछ लोग मैया की लेट के परिक्रमा कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से जाना उचित नहीं समझा। तो दो द्वार हैं मैया के अंदर मंदिर में प्रवेश करने के, तो ये वो द्वार है जहाँ से मैं आई हूँ और जहाँ से गई थी वो आगे है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण कितना बड़ा है। ये तो एक साइड का है, जहाँ से हम आए थे वहाँ से लेके बहुत बड़ा प्रांगण है। तो यहाँ पे हमारी जेठान जी वगैरह सभी लोग खड़ी थी, गांव के सभी लोग थे, सभी की मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि सभी का वीडियो में आना पसंद नहीं था। तो चलिए अब हम चलते हैं शिव मंदिर भोले बाबा के दर्शन करने, जो भोले बाबा वहीं पर विराजित हैं। बिना भोले बाबा के तो माता रानी अधूरी हैं, भोले बाबा हैं तो माता रानी हैं, माता रानी हैं तो भोले बाबा हैं। जय हो भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। तो भोले बाबा को प्रणाम करके उनके दर्शन करके अब आपको हम यमुना मैया के दर्शन कराएंगे। तो पहले यहीं से हम यमुना मैया के दर्शन करा देते हैं आपको, उसके बाद फिर वहाँ तक चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ किनारे से आप देख सकते हैं, आपको साइड में यमुना मैया के दर्शन हो जाएंगे आपको। तो जितना मैं कैप्चर कर रही हूँ, जहाँ तक आपको लास्ट तक दिख रहा होगा वहाँ तक यमुना मैया ही हैं। आपको हम पास में भी ले चलेंगे, लेकिन अभी आपको दूर से हम दिखा रहे हैं। पूरा यमुना नदी का तट है और यमुना नदी के तट के किनारे ही हमारा जो काली मैया का मंदिर है वो यहाँ पर स्थापित है। ये देखिए आपको थोड़ा सा हम क्लोज करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग रहते हैं अपना स्थान बना के, हमेशा कुटी बना के रहते हैं, भक्त लोग हैं। तो चलिए अब चलते हैं आपको यमुना नदी के तट पर। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग को जाने में, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए हमें जाना पड़ा क्योंकि ससुराल है। वैसे ससुराल नहीं है, ये मेरा मायका ही है जहाँ हम आए हैं, लेकिन ससुराल के लोग थे, नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा रिस्क एक ले लिया जाए और एक क्लिप बना ली जाए, यमुना मैया के दर्शन आपको ज़रूर करा दिए जाएं। तो चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं मैया के दर्शन करने। तो यमुना मैया के दर्शन आप करिए, देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। और यमुना मैया अभी कम है क्योंकि बरसात का मौसम नहीं है, और जब बरसात का मौसम आता है तो मंदिर के पास यमुना मैया आ जाती हैं और ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हो जाता है। अभी तो थोड़ा पानी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, डूबने के लिए काफ़ी है। तो देख सकते हैं आप, हमारा गाँव यमुना नदी के तट पर स्थित है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के पास और यहाँ पे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, और गांव से दूर दूर से आते हैं लोग और लेट परिक्रमा लगाते हुए अपने गांव से मंदिर तक आते हैं, इनके बहुत कोसों कोसों दूर से आते हैं। तो बहुत महिमा है मैया की, और यहाँ आके सभी की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। तो मुझे लगा कि मैं आप सबको ये कैप्चर करके दिखाऊं कि कितने दूर दूर से लोग आते हैं और लेट के परिक्रमा करते हैं और मैया के दर्शन करने आते हैं। तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अब हम चलते हैं घर की ओर, हमने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग अब ट्रैक्टर में बैठ रहे हैं।
आप लोग बताइएगा कि आपको ट्रैक्टर में बैठना कैसा लगता है। और ट्रैक्टर अब चल दिया है, ट्रैक्टर में जब चलता है तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा हिलता है, इसलिए कैमरा हिल रहा है, तो डोंट माइंड, कैमरा तो हिलेगा ही क्योंकि ट्रैक्टर हिलेगा तो कैमरा हिलेगा। लेकिन बहुत मज़ा आता है, मतलब रोमांच लगता है। गाड़ियों में तो हर कोई जाता है, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में, लेकिन जो मज़ा खुले में जाने का है वो मज़ा बंद में जाने का नहीं है। तो अब हम मंदिर से चल दिए हैं और हम सभी लोग जय माता दी के जयकारा लगा रहे हैं, जो कि मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया है क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी तो वो आप लोगों को डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और देख सकते हैं आप, पठारी इलाका है, मैदानी इलाका भी है और यहाँ पे टीले भी मिलेंगे आपको मिट्टी के। तो हमारे गांव का सीन तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, जब हम वृंदावन जाते हैं तो ऐसे ही सीन देखने को मिलते हैं। और देखिए गौ माता जा रही हैं। जो लोग वृंदावन जाते हैं वो लोग ज़रूर बताएंगे कि जब आप वृंदावन जाते हो आपको ऐसे सीन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और हमारे यहाँ से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही घंटों का रास्ता है, लेकिन जब प्रभु बुलाते हैं तभी हम जा पाते हैं, वरना हम पास होकर भी प्रभु के दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। सभी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप वृंदावन गई हैं कि नहीं गई हैं, आप चित्रकूट क्यों नहीं गई हैं। तो आप सभी को तो पता ही है कि हम ससुराल आए थे, शादी में आए थे, और उसके बाद फिर हमारे परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था तो सूतक पातक लग गया था, जिसकी वजह से हम वृंदावन नहीं जा पाए। उसके बाद फिर मेरी दादी चली गई तो हम चित्रकूट नहीं जा पाए। तो ऐसा कुछ हो जाता है जो हम प्रभु के दर्शन करने नहीं जा पाए हैं, लेकिन बिहार जी के दर्शन एक बार हो गए हैं तो मन को शांति मिल रही है कि हम प्रभु के दर्शन हमको हो गए हैं। और हम चित्रकूट में श्री राम जी के दर्शन भी कराए थे क्योंकि हमारे पास में ही है। तो फिर कभी जब समय आएगा तो आपको ज़रूर हम चित्रकूट के दर्शन कराएंगे, अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन आपको ज़रूर कराएंगे। तो आप सभी निराश ना होइए, जब प्रभु की इच्छा होती है तभी हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, तभी प्रभु की इच्छा नहीं है तो हम प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब भी प्रभु की इच्छा होगी हम दर्शन करने जाएंगे तो आपको हम दर्शन ज़रूर कराएंगे। तो आज का ब्लॉग आप सब लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। प्लीज़ हेल्प करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हरे कृष्णा राधे राधे।